राइट में सर यहाँ पे मिडल में सर क्लोज क्लोज बस वेट वेट थैंक यू सर फिनिश Hello. I think there's too much boom. It's fine otherwise. Yeah, it's nice. Sabko awaaz aa rahi hai? We have mics ready, no? Are we ready to go, Kunal? Good afternoon, my dear friends from media and everybody present here, some of our dignitaries and guests in India. इट गिव्स मी ग्रेट ग्रेट प्लेजर कि इंडिपेंडेंस डे के एक दिन बाद हम एक ऐसे एपिक स्टोरी के बारे में बात करने जा रहे हैं और उसको दर्शाने जा रहे हैं थ्रू अ वेरी मेन स्ट्रीम कमर्शियल डायरेक्टर जिन्होंने हम सबको बहुत सारी चीज़ें उनके फिल्मों के थ्रू सिखाई हैं वेदर इट्स प्यार एंड मैजिक वेदर इट्स द मेल एंड फीमेल हम तुम बट आई थिंक मोर इम्पॉर्टेंटली क्योंकि मैं एक रेडियो जॉकी होने के नाते बता सकती हूँ इट्स ऑल अबाउट अ स्टोरी And I don't know how many of you in this room have had the pleasure of traveling to different corners of the world, but Bali mein mera ye experience tha ki har nukkad mein, corner mein, log Ramayan aur Mahabharat dekhte rehte the. For some, these are epics that didn't happen. For some, they believe it's true. So I think it's wonderful ki jo nayi peedhi aa rahi hai aur jinko shayad ye lagta hai ki haan, shayad hi hua hoga, these are mythological stories. It's wonderful to relive it in the truest sense. I really don't know what's going to happen in Ram Yug, but that's precisely why we're here together today to find out. Aur taki aap wo word aage leke jaye. And my very able and dear friend will be able to throw some light on that, who I have a very strange listener and radio jockey relationship with as well. I've been very fortunate and thankful to Kunal to not just message me with updates as far as traffic is concerned, but also sometimes actually WhatsApp me very interesting things that he thought about my show. So let me introduce the man who's thrilled us, entertained us, and is thoroughly entertaining in conversations as well. Kunal Kohli, everybody. Thank you, Archana, for making me sound like a traffic alert person. And I have to thank everyone for coming. बहुत लोगों ने मुझे पूछा कि फिल्म लॉन्च तो आजकल एक मैसेज भेज के हो जाता है ट्विटर पे आप अपना पोस्टर डाल दो और फिल्म लॉन्च हो गया तो आप ये क्यों कर रहे हो मुझे ये थोड़ा इम्पर्सनल लगता है जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में नहीं था अब तो बहुत साल हो गए उस बात को तो मैं ये देखता था लोग मुहूर्त करते हैं ऑल दैट और आजकल लोग समझते हैं कि ये सब चीज़ें आउटडेटेड हो गई हैं लेकिन मेरा मानना है कि कुछ आउटडेटेड नहीं होता है खास करके पर्सनल इंटरेक्शन मैं भी एक पोस्टर लॉन्च अपने ट्विटर अकाउंट पे या अपने इंस्टाग्राम पे डाल के आप सबको बोल सकता था कि भैया देखो ये मेरी फिल्म है लेकिन उसमें वो पर्सनल बात नहीं होती है तो आई फील आज की जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें जो चल रही हैं जो एडवांसमेंट हो रहा है उसमें जो पर्सनल बातें हैं वो थोड़ी रह जाती हैं और यही पर्सनल बातें ना रह जाएं इसलिए मैंने आज आप सबको यहाँ पर बुलाया एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग कैन आई क्वेश्चन यू क्विकली बिफोर एनीथिंग एल्स प्लीज डू बचपन में रामायण किसने आपको सुनाई और आपके मन में वो क्या छाप छोड़ गई जाहिर है मेरी उम्र के लोग और
यहाँ पर बहुत सारे लोग और इवन पीपल आफ्टर मी, हम सब ने सागर साहब की रामायण देखी दूरदर्शन पे एंड वी लर्न फ्रॉम दैट. एंड इवन आई थिंक रामायण की जो बातें हैं, जो मैसेजेस हैं, वो हम सबको सब सिखाते गए. माई मदर इज सिटिंग हियर, शी वुड कीप टेलिंग मी इफ आई वॉज एंग्री विद समबडी और अपसेट विद समबडी, मैं बोलता कि अब मैं उसको दिखाऊंगा, तो माई मदर वुड से व्हाई यू स्टूपिंग डाउन टू हिज लेवल. तो ये भी एक इट्स ऑल्सो अ लेसन फ्रॉम द रामायण, राइट, कि यू हैव टू डू व्हाट इज योर धर्म, व्हाट इज योर कर्म, यू डोंट हैव टू स्टूप डाउन टू द अदर पर्सन्स लेवल. बट हियर इज अ क्वेश्चन, यू हैव इंट्रोड्यूस्ड अस टू न्यू एज कॉन्सेप्ट्स लाइक लिव इन रिलेशनशिप्स और मे बी इवन प्रेगनेंसी बिफोर मैरिज. नो नो, दैट वाज नॉट माय, दैट वाज नॉट योर्स, आई नो. ओके सो आई हम तुम, I did Hum Tum, that was Hum Tum, where there was remarriage or widow remarriage. तो फिर ऐसे मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के बाद आप हमें फिर वापस रामायण की तरफ क्यों लेके जा रहे हैं, जहां कंट्रोवर्सी ये भी है कि राम वाज पॉसिबली नॉट द आइडियल हस्बैंड टू हैव हु पुट हिज वाइफ थ्रू. आई थिंक रामायण से ज्यादा ऐतिहासिक, रामायण से ज्यादा मॉडर्न इन थॉट, प्रोग्रेसिव कुछ नहीं हो सकता. हम अपने आप को बहुत मॉडर्न प्रोग्रेसिव समझते हैं क्योंकि यू नो सम पीपल यूज लैंग्वेज इन फिल्म और व्हाटएवर, लेकिन जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो कभी आउटडेटेड नहीं हो सकते. वो हमेशा मॉडर्न ही रहते हैं बिकॉज थॉट्स एंड विचार एंड द वे ऑफ लाइफ, जीवन बिताने का जो एक तरीका है, वो कभी आउटडेटेड नहीं हो सकता. How can a way of life ever be outdated? It can't. Your best lesson from Ramayana that you personally... I feel it's about dharma versus niti, dharma versus ranniti. Ke Ram was always on the paksh of dharma. Ravan was on the was doing ranniti and strategy and all that. Usse kuch nahi hota hai. With strategy and everything is not the way to go ahead in life. The way to go ahead in life is just to follow your dharma. And I think that is the best... one of the so many lessons that are there from the Ramayana. Aur Ram Yug mein, see, there are so many chapters, there are so many incidents, there are so many challenges, which is what with my writing team, headed by Mr. Kamlesh Pandey, I mean, he's doing the dialogues, he needs no introduction, I mean, he's done amazing work like Chalbaz, Dil, Beta, Khalnayak, Rang De Basanti, the list is endless. But his knowledge of Indian culture, of Indian mythology, is so vast and so deep that he's one of the pillars of what chapters to use, and even what in, to say. In Rang De Basanti, he married the old and the new so beautifully. So it's a narrative we all need these days. A narrative we all need. And Kunal, why is it called Ram Yug and not Ramayan, if I may ask? Ram Yug. It's about the Yug of Ram. So Ram Yug. Jaise Satyug hai, Kalyug hai, Ram Yug. And the other person I would also like to mention here is Mr. Narendra Kohli, who's a very, very accomplished Padma Shri writer of our country. He's the consultant. So he's doing the consultancy. There's no rishtedari there. Dono Kohli hai, lekin koi rishtedari nahi hai. And I also want to mention a few other people who are supporting us in Ram Yug. May I call them on stage then? We'll call them on stage. Dekhiye, Ramayan mein Hanuman mere bahut hi favorite character hai, Hanuman Bhagwan ji. And I think without him, we wouldn't be able to travel across and get Sita Mata also. And a lot of fun stuff that happened there. So our original Superman, I always say, is Hanuman. Mr. Sachin Jutan ji, please join us on stage. He's the head of Mauritius Film Development Corporation. I'd like everybody to put your hands together for him. And I thank you for actually traversing. You would want to say a few words? Yeah, I'd just like to say a few words before I give him the mic. हिंद महासागर, इंडियन ओशन के एक कोने में एक छोटा सा देश है मॉरिशस, विच इज़ फिल्ड विद पीपल फ्रॉम इंडियन ओरिजिन एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उनका दिल आज तक हिंदुस्तानी है और वो इस प्रोजेक्ट में हमें काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं. एंड मिस्टर सचिन जूटन, इफ़ यू कुड से अ फ्यू वर्ड्स प्लीज़. गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ प्लेजर टुडे हियर टू बी हियर फॉर द लंच ऑफ राम युग. ऐसा लगता है कि हम लोग मॉरिशस हमेशा हम लोग कहते हैं कि छोटा भारत, और आज
ये वास्तव में मॉरिशस आज छोटा भारत हो गया कि रामयुग मॉरिशस में शूट होने जा रहा है. इट्स अ वेरी बिग प्लेजर फॉर अस फॉर ऑल द पीपल ऑफ मॉरिशस. सब के लोगों की तरफ से मैं कुणाल कोहली को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ही हैज कंसिडर्ड मॉरिशस एज अ लोकेशन टू शूट रामयुग. ही हैज ऑल आवर सपोर्ट. पूरा सपोर्ट हम दे रहे हैं और पूरी मॉरिशस की ओर से हम लोग यानी कि इट्स अ प्लेजर. इट्स अ वी आर ऑनर्ड फॉर दैट कि ये मॉरिशस में शूट हो रहा है. सचिन जी, वहाँ पे मैंने समुंदर तो बहुत देखे हैं पर जंगल हैं कि नहीं, क्योंकि वनवास के 14 साल दिखाने हैं. जहाँ पर समुंदर होता है वहाँ पे जंगल और पहाड़ भी होते हैं. यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारा जो कल्चर है, हमारा जो इतिहास है, वो भारत की बाउंड्रीज तक सीमित नहीं है. इट इज़ एक्सेप्टेड एंड लव्ड एंड रिवर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. So, which is why it's a lovely collaboration, and which is why we are hoping that it will also reach all over the world. May I please call upon Mr. Nanda, the head of Economic Development Board of Film Industry in Mauritius. Thank you, Mr. Nanda, for doing this for us. What is the special thing for you to be supporting Ramyug? Thank you, ladies and gentlemen. Thank you for giving this invitation to us. It's a real pleasure to be here among the press, Mr. Kunal Kohli, and everyone who have been participating to make this a reality today. I would say from our perspective, the Economic Development Board, we are here today because we support the film industry. We've created something 5 years ago. Many Indian producers have come to Mauritius for several reasons, not only for financial reasons. I would say proudly that some 23 film have been shot, completed by Indian film producers. So far we have approved some 105 films project, out of which 77 have already been approved. But what is important to mention to you, because you press people, you are here today, it's good to know that Indian producers, they've spent almost 1 billion rupees, Mauritian rupees. So this gives an indication that Mauritius is becoming an attractive and competitive film shooting destination. So we have a mechanism, a tool, a marketing tool that we have put in place. We call the Film Rebate Scheme. And like anybody, be it Mauritian, European, Hollywood film producers, anyone would benefit this from this scheme to shoot, to realize their project. So 8 months ago, I think I met with Mr. Kunal. The first time I met with him, it was in December last year. Mr. Udeshi, I don't think he's here today. We discussed, and I'm glad that today this project is being materialized. It didn't take much time, but we are getting through, and we assure Mr. Kunal that we shall be giving the full support in terms of facilitation, permits, shooting, marketing, regulatory, to ensure that at the end of the day we have a very big project. In fact, this is one of the biggest Bollywood movie that will be shot in Mauritius, and partly also because I think there are some shooting also which will be done in India. Mr. Nanda, do you have any connect with the Ramayana whatsoever? We know it only as a story because You do know it. Yeah, of course we do. But Do you have any favorite characters or some? I like all. You like all? I like all of them because I'm very spiritual. But I think this in this movie we will also get the opportunity to appreciate creativity, talent, skill. There is nothing in the world more difficult and complex than to conceive a concept and actually to write it. And Mr. Pandey, who has not just written some of my favorite works, but he's also done a very, 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 very diaspora of kind of films that he's written. Chalbaz is my favorite. I've seen it at least 50 times. But Khalnayak, Rang De Basanti, Sir Dil, I mean, like, you have just done every aspect of film, commercial films, aur ab Ramyug aapke paas aaye. Please aap hamare paas aa jaye abhi. Kamlesh Pandey ji, what an honor and pleasure to have you as a part project to actually take this story to the world. Does this mean a lot to you personally? Aapko ye personally ye matlab ek connect hai? Bilkul. Actually, I've always been waiting and wanting to write Ramayan. Always. Never got a chance really. Congratulations, sir. Your dream has come true. जैसे हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, शायद किसी की हिम्मत नहीं हुई, जो भी है,
यानी इसके पहले कि मैं इस कथा के बारे में, इस फिल्म के बारे में कहूँ, राम कथा जो है हमारे लेख लेखक के लिए सबसे बड़ी चुनौती है. क्यों? एक तो कहानी सबको मालूम है, कहानी में कोई नयापन नहीं है. जो किरदार हैं वो भी सबको पता है, सीन तक पता है. तो भैया आप क्या कर लोगे और ताकि ऑडियंस देखने आए, आप क्या नया डालने वाले हो, क्या तीर मारने वाले हो कि लोग देखेंगे. दो बातें हैं थोड़ी सी, मैं शायद आपको अंदाज़ा नहीं होगा, भारत ने कभी इतिहास नहीं लिखा, पता नहीं आपको पता है कि नहीं. वी नेवर रोट हिस्ट्री. द अर्लीस्ट हिस्ट्री, रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो हमारे पास है वो इत्तफाक है या सौभाग्य है, क्योंकि गौतम बुद्ध के शिष्यों ने जब उनके वचनों को संग्रहित करना शुरू किया, इकट्ठा करना, उसमें राजाओं के नाम आए, कुछ देशों के नाम आए, राज्यों के नाम आए, इत्तफाक से. वो हमारा सबसे पुराना इतिहास वो है. क्यों नहीं किया? क्योंकि इस देश ने बहुत पहले समझ लिया था, क्योंकि यह देश बहुत पुराना है. अभी अभी आपने पढ़ा होगा, एक खंबाट की खाड़ी में जो जो शहर मिला है समुद्र के अंदर, 32,000 साल पुराना शहर है. तो वो शहर तो तक एक सभ्यता को आने में कितना समय लगा होगा, तो वो देश कितना पुराना हो सकता है. तो हमने पहले समझ लिया कि इतिहास एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहीं गधे जो हैं आते हैं, वही खुराफात करते हैं, चले जाते हैं. एक सिकंदर जाता है, हिटलर आ जाता है, एक तैमूर जाता है, कोई तालिबान आ जाता है, वही वही लोग नाम बदल के आते हैं और अपना माहौल ख़राब करके चले जाते हैं. तो क्यों इतिहास लिखना? हमने पुराण लिखे, हमने रामायण लिखी, महाभारत लिखी, क्यों लिखा? इतिहास और पुराण में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पुराण जो है इतिहास की घटनाओं को लेता है, मगर घटनाओं का क्या फैक्ट्स हैं, क्या तथ्य हैं, उस पर उसका फोकस नहीं है. उनके पीछे सत्य क्या है, व्हाट इज़ द ट्रूथ, नॉट द फैक्ट. राम कथा में भी अभी भी लोग सवाल उठाते हैं कई, भाई फिक्शन है, माइथोलॉजी है, कभी हुआ नहीं है. आपको क्या लगता है? बिल्कुल इतिहास है, बिल्कुल इतिहास. yes. बताता हूँ क्यों. मतलब कुछ लोग हैं हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वजीवी, महान विद्वान लोग हैं, उनको राम को भगवान कहने में शर्म आती है, मगर सचिन को गॉड ऑफ क्रिकेट कहने में शर्म नहीं आती. सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट हो सकता है, पर इस मुल्क में राम भगवान नहीं हो सकता. हैरत की बात, शर्म की बात है. नहीं, इतिहास था, मगर हमने उस इतिहास को एक पुराण की तरह लिखा, कथा की तरह. और उसमें जो सत्य है, अंतर्निहित सत्य है, उस समय के हिसाब से उस सत्य को सामने लाए. वाल्मीकि ने इसीलिए अपने ढंग से लिखा, गोस्वामी तुलसीदास ने अपने ढंग से लिखा, साउथ में कंबन ने अपने ढंग से लिखा. आज रामायण के 200 वर्षन हैं, 200. यहाँ तक कि बाकी देशों में, जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, इंडोनेशिया, कहीं भी जाएं आपको रामायण के वर्षन मिल जाएंगे. कंबोडिया में तो आपको अंदाजा नहीं होगा, हनुमान इज लाइक जेम्स बॉन्ड. मैंने, मुझे पता है. तो सबने अपने अपने ढंग से राम कथा को एडॉप्ट किया है, उसको निचोड़ा है, लिया है. और मैं छोटा सा एक उदाहरण दूँ आपको कि राम कथा इज ऑलवेज कंटेम्प्ररी, ऑलवेज समसामयिक. ये नहीं कि कभी हो चुकी कहानी हो, हमारे बूढ़े माँ बाप ने पसंद की, या धार्मिक वजह है उसकी कोई पसंद करने की, नहीं, बिल्कुल नहीं. राम कथा हर युग में आज भी उतनी ही सार्थक है, रेलिवेंट है, जितनी पहले थी. और उसकी मैं एक छोटा सा उदाहरण दूँ कि जैसे सीता हरण की का घटना है कि राम जो है स्वर्ण मृग के पीछे भाग के जाते हैं और सीता चोरी हो जाती है. छोटी सी घटना, मगर लेखक कहना क्या चाहता है कि हम जब भी स्वर्ण के पीछे भागते हैं आज भी, तो हम अपनी आत्मा की सीता को खो देते हैं. ये रामायण का सत्य है. घटनाओं पर मत जाइए, घटनाएं तो एंटरटेनमेंट के लिए है, मनोरंजन के लिए है, मगर घटनाओं के भी जो सत्य है अंतर्निहित वो ये है. एक दूसरा उदाहरण दूं छोटा सा. दक्षिण में बहुत से राजा थे, जब राम को आक्रमण करना था लंका पे, तो दक्षिण बहुत से राजा थे, उनकी सेनाएं थी. राम ने उनका सहयोग क्यों नहीं लिया? राजाओं की सेनाओं का सहयोग क्यों नहीं लिया? वानरों का सहयोग क्यों लिया? वजह है, वानर उपेक्षित थे. जैसे जिनको आज हम नीची जात के कहते हैं, कोई उनको भाव नहीं देता, नहीं. राम ने ऐसे लोगों की सेना बनाई जिन्होंने कभी जिंदगी में युद्ध नहीं लड़ा था, जिनके पास कोई युद्ध की शिक्षा नहीं थी, न रणनीति थी, न योग्यता थी, हथियार चलाने नहीं आता था, एक कभी पत्थर उठा लिया या गदा उठा ली.
मगर ये राम की कुव्वत थी, राम की ताकत थी कि नहीं वहाँ भी क्षमता है। वानरों को भी एहसास नहीं था कि उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो रावण को हरा सकते हैं, रावण से लड़ सकते हैं। राम ने सिद्ध किया कि आज भी कमजोर से कमजोर जो है हिंदुस्तान में, हमारी जातियों में या कहीं भी हो, उसके अंदर भी वही क्षमता है जो शक्तिशाली में है। सिर्फ सवाल ये उठता है कि उसको कैसे उठाना, उसको बढ़ाना, उसको विश्वास देना कि नहीं तुम कर सकते हो। वानरों में भी था कि सर जी हम कैसे करेंगे, वो तो रावण है, उसके पास इतनी बड़ी सेना है, फला फला ढका है, उतने देवताओं को गुलाम बना कर रखा है कमबख्त ने, और हम वानर हैं, हमारा उछलते कूदते पेड़ के फल फूल खाते हैं बस, और क्या। नहीं, वानरों की सेना बनाना। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है कि आज के लिए भी राम कथा में सार्थक एक रेलेवेंस है, सार्थकता है। और हमारी कोशिश ये है जो, इसीलिए मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, वो तो जब आप फिल्म देखेंगे तो लगेगा कि हम रामायण पहली बार देख रहे हैं। आप लोग जब ये राम युग देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे हम तो रामायण पहली बार देख रहे हैं, ये तो हमने कभी सुना नहीं, राम को ऐसा कहते, सीता को ऐसा बोलते, लक्ष्मण को ऐसा करते, रावण को ऐसा कहते, हमने कभी सुना नहीं था किसी किताब में। क्योंकि जैसे वाल्मीकि ने अपने समय के लिए लिखा, तुलसीदास ने अपने समय के लिए लिखा, कंबन ने अपने समय के लिए लिखा, मैं अपने समय के लिए लिख रहा हूँ, आज के युवाओं के लिए, जिनके लिए रामकथा शायद उनके बूढ़े माँ बाप जो हैं, उनकी जो आस्था चैनल देखते हैं उनके लिए नहीं, माफ कीजिएगा, रामकथा बूढ़ी नहीं होती, राम कभी बूढ़े नहीं होंगे। आपने कभी राम को बूढ़ा होते देखा है? अच्छा, हालांकि वो बूढ़े हुए थे, ऐसी बात नहीं है, बूढ़े होके राम जो है वो ऐसा नहीं कि हो चुके, आज भी हो रहे हैं, आज भी राम जीवित हैं। और असली चीज है वो राम को खोजना, उस राम को खोजना जो आज हमारे लिए उपयोगी है, सार्थक है। अब जैसे इस देश का नाम भारत है, आपको पता है भारत नाम दिया क्यों गया? अद्भुत वजह हमारे लोगों ने खोजी थी, भा यानी प्रकाश, रथ यानी लगा हुआ, प्रकाश की खोज में लगा हुआ, किसी की धन संपत्ति जमीन की खोज में नहीं, किसी दूसरे देश की खोज में नहीं, प्रकाश की खोज में, ज्ञान की खोज में, वही खोज राम की खोज है। और हमने उसी राम को खोजने की कोशिश की है इस रामयुग में। थैंक यू सर। और अंत में मैं मॉरिशस को धन्यवाद देना चाहूँगा, ये आपका सौभाग्य है और हमारा सौभाग्य एक तरह से कि आपने हमें यह अवसर दिया। मैं गया था मॉरिशस, मेरी फिल्म आतिश की शूटिंग हुई थी वहाँ पे, हम काफ़ी दिन थे वहाँ पे, और वहाँ के आप शहर में घुसिए, आपको, मैं खुद बिहार से आता हूँ, बलिया से एक्चुअली, मैं इतना ताजुब हुआ कि लगता नहीं कि हम मॉरिशस में हैं, हम बिहार के गांव में हैं, बाहर जो रस्सी पे कपड़े सूख रहे हैं और उस वक्त जो उनके सेना के चीफ थे वो शिव के भक्त थे। तो मतलब मॉरिशस भारत से ज्यादा राम कथा का दीवाना है, मैं बता दूं। और ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसकी बाकायदा उसका मुआवजा उनको वापस दें कि आपने राम कथा को इतना सम्मान दिया है, हम आपको राम योग देते हैं। धन्यवाद। और प्लीज सोचिए, अब आप कमलेश जी ने कितनी अच्छी बातें कही रामायण के बारे में, आज के बारे में। आज ऐसा कहा जाता है कि फिल्म मेकिंग इज अ नॉन स्टॉप प्रोसेस एंड अ लर्निंग प्रोसेस। रोज सेट पर फिल्म मेकर हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। रोज जब मैं कमलेश जी के साथ बैठता हूँ स्क्रिप्ट पे, तो मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ उनसे। और ऐसा ही संगीत के साथ होता है। और संगीत के लिए हमने साजिद वाजिद को साइन किया इस फिल्म के लिए, वो संगीत देने वाले हैं। और सॉरी नो नो, आई वांट टू इनफैक्ट शेयर दिस विद एवरीवन, आई हैड द ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू डू सम शोज विद दिस वंडरफुल डुओ, एंड द काइंड ऑफ स्टोरी टेलिंग दैट साजिद भाई हैज इज unbelievable. He's also somebody who learns music and grasps new kind of energies from around the world. So thank you so much, Sajid. You're going to render a new age feel to Ramayan. Unfortunately, Vajit bhai jo hain wo aspatal mein hain. He's not well. Unko sugar ka kuch problem hai. And that's why Vajit bhai could not be here. Aur isliye Sajid bhai zyada sugar khali kar rahe hain. Aur
क्योंकि हम लोग एक दिन बैठे थे ऑफिस में गीत संगीत के बारे में सोच रहे थे, तो वाजिद भाई और साजिद भाई का ये मानना था कि ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हम इसके संगीत के लिए कुछ ऐसे दिग्गज म्यूजिशंस के साथ काम करें जो हमें आम फिल्मों में काम करने का मौका नहीं देते. आर क्लासिकल मास्टर्स, आर क्लासिकल गुरुज, क्लासिकल सिंगर्स, क्लासिकल म्यूजिशंस, उनके साथ काम करने का मौका हमें इस बार मिल रहा है. तो साजिद भाई, इफ यू कुड से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट दैट कि कैसे, यू नो, वी वांट टू ब्रिंग इन क्लासिकल म्यूजिक इन रामयोग. हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन. साजिद, आई वांट टू जस्ट से थैंक यू बिकॉज़ I'm sorry, but our country is going through a phase where we feel there is disparity and there isn't. You have proved it. Can we please clap for Sajid Wajid for giving music for Ram Yog? I truly am your fan, you know that. Thank you. And you've taught me so many things in your life experiences. Today you must share. I feel there is, I don't think of any disparity. I don't believe in disparity. I know. These things. But I am glad. For me, I don't think the film industry ever thinks of any disparities. Absolutely not. Thank you so much. I just want to add one point, maybe even he would know. जो पहली फिल्म बनी थी हिंदुस्तान में रामायण पर, राम राज्य, जो अकेली फिल्म जो गांधी जी ने देखी थी अपनी जिंदगी भर में, राम राज्य में जिसने राम का रोल किया था, प्रेम अदीब, एक मुसलमान था. जो लक्ष्मण का रोल किया था, हमीद कुछ ऐसा नाम था, वो भी मुसलमान था. हमारे ये मुल्क अजीब है, ऐसा है, या हमारी खूबी है कि मुसलमानों ने हिंदू देवताओं के रोल किए हैं, एक्टिंग की है. एक शाहू मोडक थे हमारे एक्टर, वो कि ईसाई थे. ही ऑलवेज प्लेड माइथोलॉजिकल गॉड्स. तो वी हैव एनफ स्पेस इन दिस कंट्री फॉर दिस काइंड ऑफ वैरायटी. आई मीन, थैंक यू सो मच, बट आई डोंट थिंक लाइक दिस. आई थिंक वेरी प्योरली 100% म्यूजिक. यस. And for me, as my childhood, the biggest thing on TV was Ramayana. I mean, we have seen all the episodes, my entire family has seen, so I know all the characters. And I think in today's time, with this modern generation, with so much of equipment and technology, if somebody is attempting this, I think this is one of the hottest project. Yeah. And I feel that, yes, of course, we need to really concentrate on every aspect of the background, the music, what kind of a melody, what kind of a grandeur. And yes, of course, we sat down and we realized that we should use Hindustan ke the diamonds musician, the caustics, the pride of Hindustan musicians. We'll be definitely using a lot of classical people for this project. And I think I'm looking at this project as a very international project. And yes, I'm going to treat it. I'll try my best, as you know. Thank you so much. Thank so you, Sajid Bhai. Moving on, I'd like to call on stage Mr. Nanda Narayan. He is the head of... Here. We've done that. Oh, we've done them. Sorry. Oh, sorry. I thought there was another Nanda. I was wondering. Yeah. And sorry. I also want to thank Afrisha Bank. They've supported us in this. They've been very supportive of the project. I want to thank them for it. And moreover, I think now it's time that... Acha, abhi aap log puchenge ke Starcast ka kya? What about the star cast? We were so looking forward to meeting them. क्यों? I see. देखिए, मैंने ये बड़ी सोच समझ के ये फैसला, ये निर्णय लिया है कि I would be working with primarily new faces and some known faces for the project. And I felt it's better to introduce them once you've seen something of the film. So आज मैं सिर्फ आपके साथ अपनी फिल्म शेयर करना चाहता था, ये थॉट शेयर करना चाहता था कि हम एक फिल्म बनाने जा रहे हैं और अपनी स्टारकास्ट को मैं धीरे धीरे आपके सामने पेश करता जाऊंगा ताकि सब कुछ एक टाइम पर ना खुले. एंड स्लोली वी विल रिवील हु इज प्लेइंग हु. वी साइन द स्टारकास्ट, वी आर स्टार्टिंग द फिल्म शॉर्टली. वी नीड ऑल योर ब्लेसिंग्स, ऑल योर लव, ऑल योर सपोर्ट फॉर द प्रोजेक्ट. एंड वी होप यू गिव इट टू अस. एंड अच्छा है कि आप बारिश के मौसम में भी आ गए. वी हैव लंच, प्लीज हैव लंच. थैंक यू एवरीवन. हाँ जी, फोटो Q&A भी कर. ओह प्लीज, यस, दैट बी लवली. मे आई रिक्वेस्ट द माइक टू बी पास्ड ऑन टू आवर फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया. मुझे तो लगा सब कुछ हमने जवाब दे दिया. हाँ
हाँ जी, किसी के कोई सवाल थे? हाय कुणाल, यो यो सुहेल, यो हाय, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल. सिंग नो सिंग, सो स्वीट. अरे yeah, hi Kunal. Lot has been seen, read and written about Ramayana actually, and it's a brave attempt definitely at this point of time, like you're coming up with this thing. Do you feel there's a risk also? Definitely you must have thought about all these things, but still. I think there's always a risk in any film that one makes. There's always a risk in any interpretation that one does, and filmmaking itself is a risk. It's one day you're on top, one day you're down, one day you have a hit, one day you don't. My career is in front of all of you all. Kabhi filmen chalti hain, kabhi filmen nahi chalti hain. The moment you enter the film industry, you know ke risk to sab kuch mein. Sir, so, but this has been, I mean to say, lots of people know about Ramayana, definitely. Like, logo ko kahani pata hai, har character. Yahan par Kamlesh ji ne kitni achhi baat kahi ke logo ko sab characters pata hai. लोगों को सब सीन पता है, सीन में क्या होने वाला है वो भी पता है, लेकिन फिर भी देर इज ऑलवेज अ टाइम, देर इज ऑलवेज अ स्पेस फॉर ग्रेट माइंड्स लाइक कमलेश जी टू कम अप विद समथिंग, टू राइट समथिंग, टू हैव अ थॉट दैट इज रेलिवेंट टुडे. और यही हमारी अटेम्प्ट है कि किस तरह जो सीन्स आप जानते हैं, जो Ramayana is not just about a man losing his wife and trying to get his better back. It is not. Not at all. Mike is on. Hello. Ramayana is not just about this man losing his wife and then just getting his back. Getting her back. Tagore ne kya kaha tha ki Ramayana is the epic of domestic life. Domestic. He said. Okay. Domestic means aur jo humne puri koshish ki hai. राम और सीता का रिश्ता क्या है आज की तारीख, आज के कॉन्टेक्स्ट में? राम लक्ष्मण का रिश्ता क्या है? दशरथ और कैकेयी का रिश्ता क्या है? भाइयों का आपस का रिश्ता क्या है? सुग्रीव वाली का रिश्ता क्या है? ये सारी बातें जो है ये पारिवारिक रिश्ते हैं. ये कहानी सिर्फ एक ये नहीं है कि भाई बीवी चोरी हो गई तो रावण को मारो, बीवी को बल बचा के ले आओ. नहीं, वो तो एक छोटा सा एक वो सब प्लॉट है. मेन प्लॉट ये है कि हमारे अंतर संबंध कैसे हों, परिवार में, दोस्तों में, भाइयों में, बहनों में, बीवी और पति और पत्नी के साथ. ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल कभी ख़त्म नहीं होने वाला. और जब तक ये सवाल ख़त्म नहीं होने वाला, राम कथा ख़त्म नहीं होने वाली. वेल सेड सर. Hi Kunal, my question is to you, and if Mr. Nanda would like to ask, add to it, how handy did the Mauritius film rebates, the incentives come? But one doesn't make a film keeping these things in mind. Okay. They're just part and parcel. They're there in India, they're there in all places of the world. These are just small elements and little support that one gets. It's just a support that one gets, okay, which is good. It's good that the main idea and the purpose and of all these things is for cinema to transcend boundaries, for cinema to be
accessible and reach all over the world. So that is the importance. These are small technical business aspects of which are just there. You know, it's not a big deal. It's a good thing. It's a support. But the main purpose of all this is for cinema to transcend boundaries, for thoughts to transcend boundaries, for stories to transcend boundaries. Yes. Just adding to that, in my knowledge, the most movies we've seen in Mauritius are set in a very contemporary setting. How much ground are you planning to cover in your film in terms of a period film, and how do you design it and go about it? Well, I think for that you'll have to wait for the film to release and then see it. चैलेंजिंग रहेगा आपके लिए और कितना मजा आएगा, बिकॉज दिस इज नॉट अ रूटीन काइंड ऑफ अ फिल्म. आई मीन टू से म्यूजिक थोड़ा अलग होगा, क्लासिकल होगा, और हम जो म्यूजिक आजकल सुन रहे हैं टोटली अलग है. आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहेगा? वाव यार, व्हाट अ क्वेश्चन. अरे इतने इतने बड़े बड़े चैलेंज फोड़ दिए यार, तुम क्या पूछ रहे हो? मतलब यू नो, इफ यू डोंट माइंड, आई विल आंसर दैट. एक्चुअली साजिद भाई और वाजिद भाई, दे हैव अ क्लासिकल बेस इन देम. यू नो, दे हैव, देयर बेस इज क्लासिकल. लेकिन जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से दे गिव म्यूजिक. अभी ये रिक्वायरमेंट है कि वी नीड समथिंग. एक्चुअली बताया गया है कुणाल भाई, सॉरी, मेरा पहला एल्बम आया था दीवाना, इट वॉज प्योर रोमांटिक, प्योर रोमांटिक रोमांस, बट मैंने आज तक कभी रोमांस ही नहीं किया उसके बाद. यू नो, आई स्टार्टेड गिविंग जलवा एंड ये एंड दिस एंड आइटम एंड ये वो फना. सो आई थिंक वंस यू नो योर आर्ट, यू मोल्ड इनटू एनीथिंग एंड यू बिकम एन आर्टिस्ट ऑफ दैट एरिया. So Ramayana is a fantastic subject according to me, and you know it is a new age subject right now. आजकल का हमारा दौर अगर आप देखो ना, तो पुराने पुराने गाने हैं ना, नए नए लोगों के नाम से आ रहे हैं, बट वो कंटेंट चल रहा है उसके साथ साथ नाम भी चेंज होते जा रहे हैं. सो द न्यू जनरेशन डजंट नो अबाउट इट. तो आई थिंक इज़ द परफेक्ट टाइम टू दैट कुणाल कोहली इज इंट्रोड्यूसिंग राम सीता एवरीबॉडी टू द न्यू जनरेशन वॉट दे वर राइट. सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट. जैसे मैंने कहा कि एवरी टाइम आई सिट विद कमलेश जी आई गेट टू लर्न सो मच, आई सिट विद मिस्टर नरेंद्र कोहली इन दिल्ली आई गेट टू लर्न सो मच. कमलेश जी जब डायलॉग देते हैं, जब थॉट्स देते हैं, मुझे कुछ सीखने को मिलता है. व्हेन आई सिट विद साजिद वाजिद आई लर्न सो मच अबाउट म्यूजिक. सडनली वाजिद भाई विल से, अच्छा ये राग में यू नो कि ये राग भैरवी में आएगा. साजिद भाई जो रिदम का जो सपोर्ट देते हैं, एंड देन ही विल आल्सो से, अच्छा नहीं ये राग इस मूड के लिए ठीक है. So they talk about rags, you know, वो राग के बारे में बात करते हैं. And definitely, and मतलब it is not के you know के अच्छा हमारे बैंक में ये चार गाने देखो कहाँ पर फिट होते हैं, वैसा नहीं है. They are वो सीन देख रहे हैं, माहौल देख रहे हैं, पूरा इन्वायरमेंट देख रहे हैं. They are seeing कि अच्छा यहाँ पर क्या होगा. Then they are even thinking ahead कि अच्छा ये सीन है, इसमें बैकग्राउंड में ऐसा करेंगे. So that's the, and the whole process of filmmaking is so much more enlightening when you're learning something. And Kunal sir, learning when I'm with these creative people. Aap actually meri, you know, I'll tell you one thing. You know, to design Hanuman is what a magical work one can get. Yes. Yeah. To design Ram, Sita, what a magical work. I've designed one of the biggest, you know, guys. But now I'm getting an opportunity to design Hanuman, you know, and he's given me some scene where Hanuman becomes big, and we are just concentrating on each and everything. So it's going to be fantastic. Hanji, Kunal, amazing. Kunal, Justin here on your right. Yeah, yeah. Hi Justin. Kunal, off late we have seen films dealing with history and mythology. I've run into trouble with people, and there have been objections and protest. As a filmmaker, though, how do you think you'd be through with Ram Yoga, and will you be cautious about it? One always has to be cautious when making any film. It's not just, I mean, I got into a problem when we were making Fana. You know, we had a problem then during the release. So I think these are unfortunate things that happen. One has to be very cautious, which is why we have people like Mr. Narendra Kohli, who are our consultants. And if you see his body of work, you'll realize how accurate he is and how good he is. And then, hopefully, there should not be a problem. रामायण के इतने वर्जन टीवी पर भी आए हैं, सिया के राम अभी हाल ही में आया था, जी पर भी एक रामायण थी.
So it is, and so I hope and pray that we don't have these problems. Also, Kunal. जितनी रामायणें हैं 200 वो सब हमारी बुनियाद है, सब हमारी बेस है, कोई एक किताब बेस नहीं है. क्योंकि अगर आपने दोनों किताबें पढ़ी हैं, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की, दोनों में बहुत फर्क है, फर्क है. और उसके साथ अगर साउथ की पढ़ी है, जो महाराज कम्बन की रामायण है, वो तो और भी अलग है. जैसे उदाहरण देखिए, कम्बोडिया के रामायण में हनुमान जेम्स बॉन्ड की तरह हैं, हमारे यहाँ ब्रह्मचारी हैं. तो नहीं नहीं हमने किसी एक किताब को आधार बनाने की कोशिश नहीं की है. हमने मूल कथा को लिया है, हमने कथा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है, जो किरदारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है. हमने उन्हें री इन्वेंट किया है आज के समय की ज़रूरत के लिए. हमारे आज की जो यंग ऑडियंस है, जो यूथ ऑडियंस है, उनके लिए हमने राम और सीता और लक्ष्मण और रावण और बाकी सबको एक तरह से री इन्वेंट किया है, कथा को भी और किरदारों को भी, बिना कहानी के साथ कोई छेड़छाड़ किए या बिना किरदारों के साथ कोई लिबर्टी. ये बहुत अहम है. तो कोई एक किताब हमारी बुनियाद है. ठीक है. सो कुणाल लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी. आज ये तो हर दौर के लिए है, तो हर दौर के लिए आपको खुद को पूछना चाहिए, मुझे नहीं. ये सवाल इस मुल्क को, इस मुल्क के हर आदमी को पूछे, भैया मैं, मेरे अंदर राम कहाँ है कि नहीं है. अगर होते तो ये हाल नहीं होता जो हो रहा है मुल्क. अगर होते तो लास्ट क्वेश्चन प्लीज. लास्ट क्वेश्चन. हाँ जी. कोशिश वही है कि हो. मैम, वी जस्ट स्टार्टेड द फिल्म. आई थिंक इट्स बजट जो है वो है. आई मीन इट्स एन अप्रोप्रिएट बजट टू मेक द फिल्म. अभी फिल्म के स्टार्ट में अभी बजट की बात करना इज नॉट राइट. एंड वी हैव द अप्रोप्रिएट बजट टू मेक द फिल्म. सो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज थिंग्स लाइक द बजट बिकॉज इट्स नॉट रेलिवेंट. मतलब अब शोले कितने भी बनी थी, हम तुम कितने में बनी थी, क्या फ़र्क पड़ता है. पिक्चर अच्छी बननी चाहिए, थॉट्स अच्छे आने चाहिए, दैट्स इंपॉर्टेंट. लास्ट क्वेश्चन कुणाल. ऑल्सो यू मेंशन दैट यू Sajid bhai wants to know, aapke hisab se kya budget hona chahiye? Kunal, you mentioned that you'd be looking for new actors for the film. Did you at any? I have found. You found? Okay. Yes, we fully cast the film. The cast is ready. Okay. We are doing. Main iske baad aap sabke saath lunch khake, I'll be going for my costume trials. Great. With the actors. So did at any point did you pitch Ram Yuk to any of the stars that you've previously worked with, or did you ever consider that? No, I didn't. I didn't consider any of the the people I've worked with. I wanted to always make it with fresh faces and or people who've not been exposed too much. Thank you very much everyone. For coming, and it's very nice, and please join us for lunch. Thank you so much. Thank you Kamleshji, thank you Kunal, thank you Nanda sir, thank you Sachin sir, and thank you. सर सर हाथ हाँ ये अच्छा लग रहा है. सर सर यहाँ पे पूरा सर सर सामने जा आगे जा बेटा आगे जाओ. थैंक यू. वीडियो क्या निकल जा रहे हो सर? उधर सर ना सामने अरे आगे जा रहे हैं. साइड पीछे, साइड पीछे सर. जरा से सर थोड़ा वेट 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 बोले सर. लेफ्ट. हां हाँ देख, एक्चुअली क्या है कि हर युग एक तरह से राम युग ही है, क्योंकि हर युग को एक राम की ज़रूरत होती है.
और ये कुछ ज़रूरी नहीं कि राम खुद आए धनुष बाण लेके भाई बताने के लिए, तो हमें अपने भीतर राम को खोजना होता है। उस कथा से हमें क्या मिलता है, क्या उस कथा में ऐसा कुछ है जो हमें अपने भीतर के राम को खोजने पे मजबूर करे, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, वो खोज बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप उस खोज पे नहीं निकलेंगे आप तकलीफ़ में पड़े रहेंगे। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि और यह जो हमारा हमारे देश की जो स्थिति है या कहीं भी दुनिया में हो, राम मुझे लगता है हर देश की ज़रूरत है, हर कल्चर की ज़रूरत है, हर संस्कृति की ज़रूरत है, क्योंकि वो बाहर नहीं है, वो कथा में ठीक है, मगर हम बाहर खोजने जाएंगे तो वो कहीं नहीं मिलेंगे। उन्हें हमें भीतर अपने खोजना पड़ता है कि उन्हें जो बातें कही हमने उनको कितना समझा, क्या कहा, और मैंने ख़ास तौर से आज के कॉन्टेक्स्ट में आज के संदर्भ में उनको ऐसे कुछ संवाद दिए हैं राम को जो आज के समय में बिल्कुल सार्थक लगते हैं, और तभी उसकी उपयोगिता, नहीं तो क्या फ़ायदा। नहीं तो इतने बन चुके हैं, सीरियल बन चुके हैं, फिल्में बन चुकी हैं, वही संवाद, वही कहानी, वही किरदार हैं, कुछ तो नया होना चाहिए, लोग क्यों देखने जाएं एक और रामायण, लोग क्यों देखें। मेरे लिए समस्या वो थी, मेरे लिए वही चुनौती थी। तो मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, मगर मेरी पूरी कोशिश ये है कि जब आप ये रामयुग देखेंगे तो आपको लगेगा कि अरे रामायण हम पहली बार देख रहे हैं यार, ये तो हमने कभी देखा नहीं था कि अच्छा ये ऐसा संबंध था, दोनों भाइयों में ऐसा रिश्ता था, राम सीता का ऐसा रिश्ता था, या बाकी जो परिवार हैं, जो रिश्ते हैं रावण के साथ भी, वो क्या रावण क्या था। अब जैसे ISIS की आज बात हो रही है, ISIS जो आतंक फैला हुआ, आतंकवादी भेजता रहता है, मैंने इस्तेमाल किया कि हर युग में रावण होते हैं, आज का रावण ISIS है, वो हर जगह आतंकवादी भेजता रहता है, जैसे रावण भेजता था खरदूषण को, कभी शूर्पणखा को, कभी ताड़का को, मारीच को भेजता रहता था, जाके आतंक फैलाओ, ऋषियों को तंग करो, परेशान करो, ये तो हमेशा होता आया है। मगर ये है कि हम आज के कॉन्टेक्ट में उसको कैसे देख रहे हैं कि भाई जो विलन है, जो निगेटिव फोर्स है, जो हेट फोकस है, वो क्या है। तो वो हर युग में रहने वाला है। रामायण ऐसा नहीं कि रावण मर गया, या ऐसा नहीं कि राम नहीं रहे, राम अभी भी हैं, रावण अभी भी है, नाम बदल गए हैं, शक्तियाँ अभी भी वही हैं, एक शुभ की शक्ति है, एक अशुभ की शक्ति है, और हमेशा हर युग में उन शक्तियों का टकराव होता रहता है। तो हर युग को अपने हिसाब से राम कथा को री इन्वेंट करना पड़ता है कि हम राम कथा से क्या ले सकते हैं। तो अपने हिसाब से मैंने कोशिश की है कि भाई कुछ जो, जैसे मैं उदाहरण दिया कि भाई अगर आप सोने के पीछे भागेंगे आपकी आत्मा का सीता तो खो जाएगी, या वानर जो हैं जिनको, जो बिल्कुल नीचे की जाति के हैं, जिनको कोई भाव नहीं देता, जिन्होंने कभी युद्ध नहीं किया, राम ने उनकी सेना बनाई, रावण से लड़े उनकी सेना के साथ, जबकि रावण के पास पूरी सुसज्जित सेना थी, हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, डिवाइन वेपन्स थे, जिसने देवताओं को जेल में डाल रखा था, ऐसे राजा के साथ वानर जाके लड़े, ये कोई कम बड़ी बात है। ये हमें सीखना होता है। देखो मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि युग एक्सेप्ट करता है या नहीं करता, राम को कब कितने लोगों ने एक्सेप्ट किया इन द फर्स्ट प्लेस, नहीं। अगर थोड़े से लोग भी सोचते कि नहीं यार बात तो सही है, ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं कि सही क्या है गलत क्या है, आजकल तो ऑटो के पीछे गीता लिखी हुई मिलती है, कितने लोग उसको पढ़ के समझते हैं या सुनते हैं। ये देश उपदेशों का मारा हुआ देश है, पान की दुकान पे खड़े हो लोग उपदेश देते मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं, सबको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, फिर भी लोग गलत करते हैं। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि भाई लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, हाँ कुछ लोग अगर जाग जाते हैं वो मेरा सौभाग्य है। शायद बचपन में क्योंकि सागर साहब का सीरियल मैंने बचपन में देखा, कथाएं भी पढ़ी, किताबें भी पढ़ी, अमर चित्रकथा कॉमिक भी पढ़ी, अमर चित्रकथा पर ना जाने कितने कॉमिक्स हैं, तो वो पढ़ते गए बचपन में, माता पिता से, दादा दादियों से कहानियां सुनी। तो कब ये, मतलब आप हम सब के
जहन में बस जाता है ये किरदार मोमेंट्स ये तो हमारे इट्स पार्ट ऑफ आर लाइफ यू नो ये इट्स ऑलवेज बिन पार्ट ऑफ आर लाइफ इट्स जस्ट लाइक ईटिंग ब्रीदिंग स्लीपिंग जैसे हम सांस लेते हैं वैसे हमारे देश के कहानियाँ किस्से रिलीजियस टेक्स्ट हमें बस समाई जाती हैं ये कब होता है हमें पता भी नहीं चलता है सर यू मेड अ नेम ऑफ योरसेल्फ यू नो मेकिंग मोर रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म्स बना यू मेड हम तुम तो इज दिस एन एक्सपेरिमेंटल फिल्म फॉर यू आई मीन नहीं ये बस एक 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 प्रयास है एक कार्य है कि एक इंटरप्रिटेशन हो जो अच्छा है जो लोगों की भावनाओं को मन में रखते हुए बनाए टीवी पर भी कई आए हैं स्टार टीवी पर हाल ही में सिया के राम आई उससे पहले जी टीवी पर एक रामायण थी उससे पहले ऑफकोर्स सागर साहब की पहली रामायण थी टीवी पर तो बहुत सी वर्जन्स आई हैं तो हर वर्जन हर फिल्म मेकर हर लेखक अलग नज़रिए से देखता है तो हमारे भी जो लेखक हैं वो अलग नज़रिए से देखते हैं लेकिन जो ओरिजिनल है उसको तो आप ऑफकोर्स छेड़ना भी नहीं है किसी को क्योंकि इतना प्योर टेक्स्ट है इतनी ब्यूटीफुल टेक्स्ट है इतने ब्यूटीफुल थॉट्स हैं तो कुछ थॉट्स यहाँ से कुछ थॉट्स वहाँ से लेकर यू नो वी प्रेजेंट आर स्टोरी आर फिल्म During the 90s, the show, Ramayan TV show I'm talking about, there's a huge fan following. But you know, right now it's 2018 going on, so mindset had been changed from the last 28 years, as such. शायद इसीलिए रामयुग बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माइंडसेट कुछ अलग दिशाओं में या हर दिशाओं में घूम रहा है भटक रहा है लोग समझते हैं बहुत कूल हो गया है स्क्रीन पे गाली देना तो और कभी भी हमारी जो सभ्यता है हमारी जो संस्कृति है वो आउटडेटेड नहीं हो सकती वो तो पॉसिबल ही नहीं है यू नो इट हैज़ सर्वाइव्ड सो मेनी इयर्स एंड इट विल सर्वाइव ऑल ऑफ अस इट विल सर्वाइव टाइम बिकॉज दैट्स व्हाट इट इज And one more thing, the color you have mentioned is blue-oriented and the, you know, the Ram is a bhagwa color. So that Ram ka jo wo identity the color is bhagwa, you know that. So what you have to say about that? So ye to background ka color hai sir. Okay. ये तो उससे बैकग्राउंड का कलर है मैं समझा नहीं आपका एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं इट्स नॉट एनिमेशन दिस इज जस्ट अ बैकग्राउंड ये तो एक बैकग्राउंड कलर के बगैर राम अधूरे होते हैं या राम के बगैर भगवान नहीं पर अभी राम को तो हमने दिखाया ही नहीं है ना अभी तक तो वी आर जस्ट शोइंग अ पोस्टर शोइंग द टाइटल ऑफ द फिल्म अभी तो हमने राम को दिखाया करेक्ट लेकिन हमने अभी तक तो दिखाया ही नहीं है ना हमने तो पेश ही नहीं किया है वी आर जस्ट ये तो सिर्फ एक बैकग्राउंड है यू नो ये तो सिर्फ एक बैकग्राउंड है और वी हैव नॉट येट शोन द कैरेक्टर्स You know, हमने कैरेक्टर्स अभी तक दिखाए नहीं है देखिए ये एक फैलेसी है ये एक गलत ख्याल है कि यूथ को ये चाहिए यूथ को वो चाहिए यूथ को कभी कभी शायद यूथ को पता नहीं उनको क्या चाहिए जब तक उनके सामने पेश नहीं किया जाए तो जब आप कुछ उनके सामने पेश करेंगे तब वो उसे एक्सेप्ट करेंगे प्यार करेंगे चाहेंगे जब आप पेश ही नहीं करोगे तो वो कैसे एंड यू कांट डिसाइड कि अच्छा यूथ को ये नहीं चाहिए यूथ को क्या चाहिए तो क्या यूथ को सारा टाइम बस आइटम सॉन्ग्स ही चाहिए यू नो ऐसे थोड़ी ना होता है हम भी यूथ थे हम भी कभी यूथ थे हमने भी बचपन में ये कहानियाँ सुनी हैं पढ़ी हैं सराहा है तो मतलब क्या अब यूथ चेंज हो गया है ऐसे थोड़ी ना होता है तो आई फील जो हम देंगे ये एक एक्सक्यूज़ बना लेते हैं लोग कि यूथ को ये पसंद है यू नो यूथ को ये अबे हाउ कैन यू डिसाइड कि यूथ को क्या पसंद होगा यू नो रिसेंटली टू एमिनेंट पर्सनालिटीज पासिंग अवे अजीत वाडेकर एंड अटल जी व्हाट यू सेड ही लॉस्ट टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड एज़ वेल एज़ पॉलिटिकल वर्ल्ड अटल जी हैज पास्ड अवे जस्ट नाउ नो आई मीन अटल जी इज नॉट पास्ड अवे एज़ येट द न्यूज़ वन सम इट्स नॉट ऑफिशियल हां No, no. Hmm? Atalji is not passed away. Atalji is not passed away. Thank you so much, sir. No. Ajit Wadekar, I'm talking about him. You know, I think one of the greatest tours of Indian cricket has been the 1971 tour, where in one tour, India beat the West Indies and England, who were the ruling test teams at the time. There was only test cricket at that time, but they were the ruling cricket powers in the world. They were legendary teams in 1971, the West Indies and England. And our team was not given that much importance. It must have been possibly the lowest rated team at the time.
I don't think Sri Lanka had started playing test cricket at that time. I'm not sure, but I don't think Sri Lanka was playing test cricket at that time. But we were one of the lower rated teams. For an Indian team to go to West Indies and England and defeat them both at home has never been repeated again. And that was under the brilliant captaincy of Mr. Ajit Wadekar. Sunil Gavaskar ji was a young player. It was one of his first tours or something, if I'm not wrong. And the way he used him, the way he guided him, is what gave us even a legend like Sunil Gavaskar. And Mr. Ajit Wadekar has got to be one of the sharpest cricketing minds this country has seen, and one of the best captains that we've had. And the results speak for themselves. So it's a huge, huge loss of a legend of Indian cricket. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.